भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया चतुर्थी युक्त तिथि है, जो अत्यंत ही विशेष फलदायी है। आज के दिन हमारे इस पूर्व प्रांत में लोग तीज नाम का व्रत करते हैं, जिसको हरितालिका के नाम से ही जानते हैं। इस पूजन में स्त्रियां अपने सौभाग्य की प्राप्ति के लिए और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए तथा घर में सुख शांति समृद्धि संतति विस्तार के लिए स्त्रियां निष्ठापूर्वक महादेव माता पार्वती के व्रत को रखती हैं और विधान पूर्वक सायंकाल में भगवान महादेव माता पार्वती की प्रतिमा को विधिवत स्थापित कर षोडशोपचार पूजन करती हैं और महादेव से यह दिव्य वर मांगती हैं कि हे महादेव, जिस प्रकार माता जगदम्बा ने आपको इस व्रत के माध्यम से प्राप्त किया और वह त्रिलोकी की स्वामिनी बनी, प्रभु ऐसी ही कृपा करें ताकि हमारा भी सुभाग अखंड हो और उसी उन्हीं माता पार्वती की भांति हम यश प्रतिष्ठा सौभाग्य प्राप्त करें और अंत में त्रिलोक को गमन करें। इसी उद्देश्य से सौभाग्यवती महिलाएं इस व्रत को करती हैं और कहीं कहीं पाया गया है कि कुमारी स्त्रियां भी इस व्रत को करती हैं ताकि शिव के समान उनको इष्ट वर की प्राप्ति हो। स्मरामि लाभस्तेषां जस्तेषां कुदस्तेषां पराजयः येषां इन्द्रिये शिवे सर्वार्थसाधिके श्रण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तु ते नारायण्यै नमः। विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्म विष्णु महेश्वरान् सरस्वती प्रणम्यादौ सर्वकामार्थसिद्धये। ओम गुरुस्वा सिद्धिर्पुत्र सहिताय श्रीमन्महागणाधिपते नमः। लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः। उमा महेश्वराभ्याम नमः। वाणी हिरण्यगर्भाभ्याम नमः। शची पुरंदराभ्याम नमः। विघ्नोपशान्ते अभिप्सिद्ध्यार्थ सिद्ध्यर्थं पूजितो यासुरासुरे सर्व विघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। ओम गं गणपतये नमः। नमस्करोमि तदेव लग्नं सुदिनं तदेव तारबलं चंद्रबलं तदेव वेद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपते तेन्द्रे।